सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा शहीद जयपाल के घर पर पहुंचे हैं और उनकी माता जी से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा शहीद परिवार से मिलते हुए। देखो जी तेरा देश में नाम जा रहा है, देश की गया है। चले जाओ जी, मैं रखो यार माई हो गए, सारा काम तेरा गल है, सारा जिसने जो आदमी है तेरा गल है, पूरी कोशिश करेंगे बात होगी हमारी, बस तैराने के बाद मत बुलाया है, आप अपना हौसला करो। नहीं भगवान भी, मेरे माँ बाप भी, मेरे बेटे भी, जो कुछ सो मेरे साहब वीर आप सो मेरे लिए, तो सारे सब कुछ आप सो। माई टाइम दे दिया सर्वप्रथम हम लोग सभी मिलके जो हमारे एक ऐसे भाई हम जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर किया है, हमारे शहीद जयपाल गिल, हम अपने भाई को श्रद्धांजलि देते हैं। और आज मैं मानता हूँ कि हमारे दिल में दोनों ही भाव हैं, हमें अपने भाई पे गर्व भी है क्योंकि उन्होंने अपने परिवार का, अपने गांव का, हमारा सबका बहुत गौरव से हमारा सीना चौड़ा करने का काम किया है। लेकिन हमें उतना ही दुख भी है क्योंकि जब एक इतनी छोटी आयु में कोई हमारा भाई साथ छोड़ जाए देश के लिए, हम सब के लिए ड्यूटी पे तैनात, तो उसमें दुख भी होना लाजमी है। तो आज हमें दुख भी है और गर्व भी है, ऐसे में हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख की घड़ी में परिवार को ताकत दे ईश्वर इस का सामना करने के लिए, और अपने चरणों में आप जो है आत्मा को स्थान दे, और जो भी कुछ हो पाएगा, जो हमारी जो भी जिम्मेदारी लगेगी अपने गांव के अंदर, चाहे जो है शहीद के नाम से एक स्टैचू और एक जो है गांव एक स्टेडियम बनाने की एक बात कर रहा है, तो सरकार को तुरंत करना चाहिए। और मैं भी अपनी तरफ से राज्यसभा सांसद के कोटे से जितनी सहायता गांव कहेगा उसमें मैं दूंगा, तो और भी जो भी जिम्मेदारी लगेगी वो अपना परिवार की मदद के लिए इस मौके पे हम सारे परिवार के साथ। तो सर एक बार परिवार ने जैसे हौसला बहुत दिखाया था, ये बोला था कि जो है हमें गर्व है हमारा लड़का से बहुत ज़्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे अब आप मिले हैं परिवार से, तो कहीं ना कहीं परिवार एक मदद की गुहार लगा रहा है जैसे इसमें परिवार के जो है, हम सरकार से भी कहते हैं कि भाई ये पॉलिसी में, क्योंकि पॉलिसी में है, ये पॉलिसी में जो है आर्थिक मदद भी होनी चाहिए और रोज़गार भी मिलना चाहिए, अगर सरकार करेगी नहीं तो जो कभी हमारा अगर गवर्नमेंट आएगी तो उस बात का ध्यान रखेंगे। और फिलहाल अपनी तरफ से निजी प्रयास में मेरी कोशिश होगी कि जो अधिकारी हैं उनसे बात करके जो है परिवार को जो मदद हो सकती है, चाहे वो उनके भाई हैं, चाहे उनकी जो है वीरांगना है, उनको अपने चाहे प्रशासनिक अधिकारियों से बात करके उनकी मदद हो।